की न्यूज है सच का साथ। इस वक्त की खबर चंदपत बटाला से आ रही है। बटाला में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, जिसके बाद प्रशासन आया हरकत में। देखिए वहीं पर रिपोर्ट। बटाला में जहरीली शराब पीने से अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस के द्वारा IPC की धारा 304, 328, 61/1 एक्साइज एक्ट के तहत केस नंबर 201 31 जुलाई 2020 को किया दर्ज। शकी व्यक्तियों से पूछताछ की शुरू। आज मृतकों के अंतिम संस्कार किए गए। मृतक के परिजनों का कहना है कि कल जब हमारा परिवार के मेंबर शराब पीकर आए तो अचानक उसी की तबीयत बहुत खराब हो गई और बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए। उधर DSP सिटी परविंदर कौर का कहना है कि जांच चल रही है। विलन ला पाया थोड़ी देर बैठा था ही। इन्हू पूछा की गल होती, कहना मेरे पेट से ना दर्द होती है। मैं दर्द की कादी दर्द तेन होती है, कहना मेरे बहुत दर्द होती है। इन्हें च भाई रौला पै गया कि शराब के नाल बंदे मरन दी है। तो इन्हू पूछा मैं की गल है, तेनू दर्द कादी होती? मैं शराब तो नहीं कि पी गया। कहना आहो मैं पीती है शराब। मैं कि शराब पी गया? कहना मैं फौजन को पी के आया। कहना मैनू बचा लो, मेरा बड़ा बुरा हाल है। भाई 15-20 मिनट इन्ना तो माड़ा हाल हो गया। यही नींबू पानी इन्हू पीए, कभी कुछ पियाइए, तेन उल्टी नहीं आती। पता नहीं आऊ, कहना मैनू आऊ आते जो मेरा अंदर ही पाटिया जा रहा है। तो भाजी ये तुहाड़े मरण वाले दे नाल रिश्ता की है? इहदा नाम बूटा राम जी, तोती तोती कहिंदे जी। ठीक है, ठीक ही लगदे आ भतीजाई जी। मैं उहदा हाँ जी कपूरी गेट असं आए थे, सानू इतने इनफॉर्मेशन सी कि इतने दो जणां दी डैथ हुई हैगी है, तो वो शक किया जा रहा है कि अल्कोहल के नाल हुई है। वही असं वेरीफाई करना आए थे। हुण उहनां दे जिहड़े फैमिली मैंबर्स ने उहनां दे बयान लिखे हैगे हैं, जिस तरीके नाल वो कहणगे स्टेटमेंट के हिसाब नाल कर रहे हैं अमल च लिया गया। उहनां ने सानू एक दिखाया है जिहदे विच मेरी अल्कोहल वो असी वेरीफाई करा लेंगे। तो कंटेंट्स की हो गए ते की कर रहे थे? हाँ जी कार्रवाई कार्रवाई हूँ जो ये बयान दिते ने उन्होंने फैमिली मैंबर से बयान ले रहे हैं। असं जिस हिसाब नाल बयान दे रहे हैं उस हिसाब नाल ही कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी कौन? जगदीश एक जगदीश दो ने। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन